आप सभी को वेलकम है द्वारका टेंपल जो गुजरात में है। तो आइए देखते कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी द्वारका टेंपल के ऊपर। वेलकम टू देवभूमि द्वारका, इसको द्वारकाधीश टेंपल भी कहा जाता है जो लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है। देवभूमि द्वारका बिलीव टू बी द किंगडम ऑफ लॉर्ड कृष्णा आफ्टर ही शिफ्टेड फ्रॉम मथुरा। ही रूल्ड हिज किंगडम फॉर लॉन्ग 36 ईयर्स। मंदिर का विजिटिंग टाइम, सुबह 6:30 बजे मंदिर खुल जाता है, 7 बजे तक मंगल आरती होता है और इवनिंग में 9:30 मंदिर क्लोज हो जाता है। माइथोलॉजिकल बिलीव है कि द्वारका के स्वर्ण द्वारका व गोल्डन द्वारका बोला जाता है। ये प्राचीन सिटी जो है बिलीव किया जाता है कि अरबियन सी के अंदर डूब गया था। अंडर वाटर आर्कियोलॉजी टीम अभी भी इसको छानबीन कर रही है इसका एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए। आइए देखते देवभूमि द्वारका बाई एयर कैसे पहुंचा जाता है। आप जामनगर एयरपोर्ट में आ सकते हो जो 128 किलोमीटर दूरी में 2 घंटा 20 मिनट अप्रॉक्सीमेटली टाइम लगेगा, या पोरबंदर एयरपोर्ट में आ सकते हो जो 108 किलोमीटर है 1 घंटा 33 मिनट समय लगेगा। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हो तो जामनगर से द्वारका 138 किलोमीटर, राजकोट से द्वारका 218 किलोमीटर और अहमदाबाद से द्वारका 471 किलोमीटर। अगर आप देवभूमि द्वारका बाई रोड आना चाहते हो तो आप ऐसे आ सकते हो। ये जगह स्टेट हाईवे के ऊपर है और डायरेक्ट बसेस जामनगर अहमदाबाद से आपको मिलेगा। जामनगर से द्वारका 131 किलोमीटर 2 घंटा 25 मिनट लगेगा, अहमदाबाद से द्वारका 438 किलोमीटर 8 घंटा 25 मिनट लगेगा। आइए देखते हैं द्वारका में हम कहां कहां रह सकते हैं। यहां पे बहुत सारे बजट होटल और धर्मशाला मिलता है जो द्वारकाधीश टेंपल के एकदम नज़दीक है। आपको बहुत सारे स्टार होटल भी यहां पे मिल जाएगा रहने के लिए। खाने का क्या बंदोबस्त है ये भी देखते हैं। द्वारकाधीश टेंपल के अंदर महाप्रसाद मिलता है एंड भोजन प्रसाद भी मिलता है जो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है जिसका अमाउंट है करीब 30 रुपीस। टेंपल का बाहर आपको कई सारे रेस्टोरेंट मिल जाएगा। प्लेसेस टू विजिट इन द्वारका, द्वारकाधीश टेंपल, गोमती घाट, सुदामा सेतु, पंच पांडव वॉल, रुक्मिणी टेंपल, द्वारका बीच, लाइट हाउस, इस्कॉन टेंपल, बेट द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, भटकेश्वर महादेव टेंपल, गोपी तालाव, गीता टेंपल, डनी पॉइंट, स्वामीनारायण टेंपल। देवभूमि द्वारका जो है भारतवर्ष का 4 धाम में एक धाम है। नॉर्थ में बद्रीनाथ, वेस्ट में द्वारका, साउथ में रामेश्वरम, ईस्ट में पुरी जगन्नाथ। तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग सोमनाथ से जर्नी शुरू किया था 5 बजे, करीब करीब 6:30 घंटा के बाद हम पहुंच गए द्वारका। हमारा होटल में चेक इन करके थोड़ा फ्रेश होके हम निकल जाएंगे द्वारका मंदिर देखने के लिए। गाड़ी हमारा पहले से रेडी था तो हम 15 मिनट के अंदर पहुंच गया देवभूमि द्वारका। दूर से हमें दिखाई दे रहा था द्वारका टेंपल। बस से उतरने के बाद द्वारका का तरफ मंदिर का तरफ जाते जाते हमें सच में लग रहा था कि कोई गोल्डन प्लेसेस में हम पहुंच गए। इस नगरी के अंदर से चलते चलते लग रहा था बहुत सारे चीज़ हम लोग खरीद ले। बहुत सुंदर सारे आइटम्स यहाँ पे दिखाई दे रहा था, डिस्प्ले के लिए रखा हुआ था। द्वारकाधीश मंदिर का ऊपर जो ध्वजा है उसको 52 गज ध्वजा बोलता है, वो दिन में 5 बार चलता है। ऐसा बहुत सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ मंदिर के बारे में कहानी हमें वहाँ पे एक पंडित जी से मिला। वो पंडित जी हमें बहुत अच्छा से स्पेशली दर्शन करवाया, उन्होंने हमें बहुत अच्छा से सारे जगह दिखाया। तो ये है पंडित जी श्री मृदुल कुमार विपुल कुमार जी, उनका जो वर्णना है उनके मुंह से सुनने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। आप कभी उधर आएंगे तो आप उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, उनका नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। ये अद्भुत सुंदर मंदिर जो भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में बनाया, कथित है कि ये मंदिर 2500 साल पुराना है। भगवान कृष्ण का द्वारका नगरी जो है भारतवर्ष का प्राचीनतम शहर में से अन्यतम है। यहाँ पे कृष्ण जी का 4 बार आरती होता है, 11 बार भोग लगता है। यहाँ का 56 भोग बहुत फेमस है। मंदिर में रात को वेरियस कलरफुल लाइट्स लगाता है जो देखने के लिए बहुत सुंदर लगता है। इसके बाद पंडित जी हमें गोमती घाट दिखाने लेके गया। अब हम लोग आए भोजन प्रसाद खाने के लिए मंदिर में, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था।
पंडित जी हमारे लिए स्पेशल लड्डू का बंदोबस्त किया, बहुत ही टेस्टी था। मंदिर दर्शन के बाद हम लोग बाहर आया, बाहर कुछ रेस्टोरेंट में आप खाना खा सकते हो, दूध तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। द्वारकाधीश मंदिर का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। नेक्स्ट दिन सुबह हम निकल पड़े सुरेंद्र नगर जंक्शन जाने के लिए। गुजरात का रोड जो है कि बहुत ही अच्छा रोड है, बहुत स्मूथ रोड है, और एक साइड में समुंदर, एक साइड में रोड, जिसका नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा था। हमारा ड्राइवर साहब को पहले ही बोल के रखा था बीच में कोई जगह पे हम लोग रुक के लंच करेंगे और उसके बाद सीधा पहुंच जाएंगे स्टेशन में। तो एक जगह पे हम लोग रुका, वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था, खाना बहुत ही बढ़िया था। तो कैसे था आपका जर्नी आज का दिन मैडम? तीन दिन का प्रोग्राम अच्छा। आपको लग रहा है कि घर जाना चाहिए था? नहीं, अभी बस से उतरते समय तो बिल्कुल नहीं लगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, एंड न्यू व्यूअर्स के लिए रिक्वेस्ट, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सुरेंद्र नगर जंक्शन पहुँच के हम लोग वहाँ पे चाय पिया, बहुत बढ़िया चाय था। उसके बाद हमारा ट्रेन की तरफ हम लोग आगे बढ़ गया, एंड फाइनली वी आर हेडेड टू बॉम्बे। और थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो को देखने के लिए।